दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी आगरा शहर की है। आगरा शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 5 लोग रहते थे, 2 बहन रीमा और सीमा, भाई राजू और मम्मी पापा। उसके जो पापा थे वह जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। तीनों बच्चों को स्कूल भेज के वह घर का काम करती और काम घर का काम ख़त्म करके वह अपना फालतू काम निपटा के आराम करते। ऐसे करके इनके दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बड़ी क्लास में जाते हैं, और बड़ी क्लास में जब वह 9th-10th में पहुँचते हैं तो उनको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। वैसे तो तीनों बच्चे बहुत होशियार थे, लेकिन दोनों जो छोटे बच्चे थे उनके लिए तो ट्यूशन लगा दिया गया था, लेकिन जो बड़ी बहन थी सीमा के लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम की वजह से उसको ट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, तो उसके लिए ट्यूशन के लिए उसके ट्यूटर ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं मिल पा रहा था। जो उसकी मम्मी होती है वह किसी से बोलती है कि कोई अच्छा सा ट्यूटर हो पड़ोस में, बोलती है तो हमें बताना। तो उसकी पड़ोसन बोलती है हाँ है तो सही, जो हमारे बगल में जो एक लड़का है सौरभ नाम का, वह ट्यूशन पढ़ाता है और उसके मम्मी पापा बहुत गरीब है, वह ट्यूशन पढ़ा के अपने पढ़ाई का खर्चा निकालता है। जब सीमा के मम्मी ये बात जानती है वह कहती है ठीक है मुझे बताओ वह कहाँ रहता है, तो मैं उसके घर जाके बोलती हूँ सीमा को ट्यूशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है उसे, क्योंकि वह बहुत दिन रात मेहनत करती है, लेकिन मैथ के लिए उसे ट्यूशन की बहुत ज़रूरत है। मम्मी अपने पड़ोस में ट्यूशन पढ़ाने वाले लड़के के पास पहुंच जाती है। जो ट्यूशन पढ़ाता है उसका नाम रजत होता है। वह रजत के घर जब पहुंचती है तो रजत पूछता है कौन, तो सीमा की मम्मी बोलती है मैं आई हूँ। फिर वह दरवाज़ा खोलता है, वह कहती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है, क्या तुम ट्यूशन पढ़ाते हो? तो रजत ने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूँ, दिन में तो अपने पढ़ाई कॉलेज चला जाता हूँ और शाम को आकर ट्यूशन करता हूँ, और ऐसे करके मैं अपना खर्चा निकालूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना नहीं कमाते जो मेरे पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे। सीमा की मम्मी जब ट्यूशन के लिए कहती है रजत को तो वह राजी हो जाता है, क्योंकि वह तो अपना खर्चा पढ़ाई का इसी से निकाल रहा था ट्यूशन पढ़ा के, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो बहुत गरीब थे, वह अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन ही पढ़ाता था, और वह राजी हो गया। तो सीमा की मम्मी ने कहा ठीक है तुम कल से आ जाओ सीमा को पढ़ाने के लिए। तो अगले दिन क्या करता है रजत, उनके घर पहुँचता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है और उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत जाते हैं ट्यूशन पढ़ाता है। तो ऐसे करके जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो वह 2 टाइम आने लगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मैथ में। वह कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसने कहा ठीक है मैं 2 टाइम आऊँगा, और वह ऐसे करके रजत उसको 2 टाइम पढ़ाने के लिए आने लगता है। जब रजत सीमा के घर रोज़ पढ़ाने आता है तो एक अनजान लड़का उस पर रोज़ नज़र बनाए रखता है। फिर एक दिन हिम्मत करके वह रजत से बात करने लगता है। वह कहता है तुम वहाँ पे किस लिए जाते हो? कहता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा ट्यूशन से निकाल रहा हूँ। तो ऐसे करके वह उसे रोज़ मिलने लगा। रोज़ मिलते मिलते उनकी बातें होने लगी और ऐसे करके उनको बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद वह दोनों रोज़ मिलते और इतनी पक्की दोस्ती हो गई थी दोनों की कि दोनों सारी बातें एक दूसरे शेयर करते और दोनों अपने अपने घर चले जाते बात करने के बाद। फिर एक दिन फिर टकराते हैं। वैसे तो रोज़ ही टकराते थे, काफ़ी दिन के बाद वह थोड़ा लड़का गायब हो गया था। फिर उसने सोचा रजत ने पता नहीं वह कहाँ चला गया, आता ही नहीं। फिर अचानक से फिर वह टकराया। वह कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? रजत बोलता है अपने दोस्त को, कहता है मैं किसी काम से गया था। लेकिन वह कहता है कि तुम मुझसे कल मिलना, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना, रजत से कहता है। रजत कहता है ऐसा क्या काम है? उसका दोस्त कहता है मिलियो तो सही, तेरे ही फायदे की बात है, कल रेस्टोरेंट में मिली और मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। तो फिर वे अगले दिन दोनों मिलते हैं रेस्टोरेंट में। मिलने के बाद काफ़ी देर बात करते हैं। बात करने के बाद सारी दोनों एक दूसरे की सारी बात शेयर करते हैं, जो अपने घर की सारी बात शेयर करते हैं। करने के बाद रजत ने बोला सारी बात हमने एक दूसरे से कर ली, लेकिन तूने आज तक ये नहीं बताया तू करता क्या है। कहता मैं वही आज तुझसे बताने के लिए आया हूँ। कहता मैं ऐसा काम करता हूँ, तू सुनेगा तो तू भी माला माल हो जाएगा। वह कहता है वह कैसा काम है? वह कहता है मैं तुझे बताता हूँ ध्यान से सुन। कहता है कि मैंने एक ब्लू फिल्म का काम करता हूँ, मैं लड़कियों की ब्लू फिल्म बना के बेचता हूँ, ये बात किसी को मत बताओ, मैं सिर्फ तुझे बताऊँ, और तू चाहे तो तू भी मेरे साथ मिलकर ये कर सकता है और बहुत पैसे कमा सकता है। और ऐसे करके वह कहता है ना ना मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपनी करियर बना रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ।
मैं ये गलत काम नहीं करूँगा क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। तो वह उसको बहुत लालच देता है, कहता तू कर तो सही, तू किसी भी लड़की का ब्लू फिल्म मुझे ला के दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। ऐसे करके तू सारे दिन रात मेहनत करता है, ट्यूशन में क्या मिलता है तुझे, और तू पढ़ाई करने के बाद भी तुझे कौन सी नौकरी मिल जाएगी, कौन सा अमीर बन जाएगा पढ़ाई करके। और एक बात और बताऊँ, तो ट्यूशन पढ़ाता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने पढ़ाई में खर्चा करता है, और पढ़ाई करने के बाद तुझे कितनी नौकरी मिलेगा, तो अमीर तो फिर भी नहीं बन पाएगा। और जो मैं तुझे ऑफ़र दे रहा हूँ तो उससे एक साल में माला माल हो जाएगा, तू सोच ले। वह कहता नहीं मैं ये नहीं करूँगा, फिर वह कहता फिर भी सोच लियो, मैं तुझे एक दिन का टाइम देता हूँ। फिर वह अगले दिन फिर मिलते हैं, वह कहता है कि तूने क्या सोचा, कहता मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत शौक से पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि चल, उन्हें मेरे ऊपर बहुत गर्व है, कहते हैं अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई चला रहा है, मेरा बेटा किसी दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। ऐसे करके मैं अगर जो गलत काम करूँगा तो बता मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे मम्मी पापा को कितना दुख होगा। रजत का दोस्त है कि मानता ही नहीं, उसे समझाता रहता है और बहुत लालच देता है। फिर अंत में रजत मान जाता है, लेकिन फिर कहता है मैं ब्लू फिल्म लाऊँगा कैसे। फिर कहता है तू कहाँ जाता पढ़ाने के लिए, लड़कियों को भी ट्यूशन पढ़ाता है, कहता है हाँ मैं जो अपने पड़ोस में उसको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो टेंथ में पढ़ती है, टेंथ में पढ़ती है, फिर तो मज़े आ गए, तू उसी को अपने प्यार में के जाल में फंसा, और फिर इतने रिलेशन बना कि उसकी ब्लू फिल्म बना के तू मुझे ला के दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। कहता मैं सीमा से ऐसे गलत वीडियो बनाऊंगा कैसे, बनाऊंगा उसके प्यार में जाल में फंसाऊंगा, कितनी गलत बात है, मैं उसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और उसी के साथ में ये गलत काम करूँगा। वो कहता जब तू इस काम में उतर रहा है तो फिर अच्छाई बुराई क्या देख रहा है, इस काम में अच्छाई बुराई मत देख, तभी तो माला माल होगा। तो वह फिर कहता है ठीक है, रजत कह रहा ठीक है मैं ऐसी करूँगा। वह सीमा को धीरे धीरे अपने प्यार में जाल के फंसाना शुरू करता है, सीमा भी थोड़ा थोड़ा उसकी बातों में आ जाती है, और दोनों मिलने लगते हैं, और मिलने के बाद वह जब अपने रिलेशन में आ जाता है तो उसकी ब्लू फिल्म बना लेता है, ब्लू फिल्म बनाने के बाद वह अपने दोस्त को देता है। लेकिन सीमा को तो इस बात का पता भी नहीं था, जो मुझे ट्यूशन पढ़ाता है उसके बाद मैं उससे ही प्यार करने लगी, वह मेरे साथ दगा करेगा। तो ब्लू फिल्म देने के बाद फिर वह उसको काफ़ी सारा पैसा देता है, पैसे देने के बाद फिर उसका दोस्त कहता है तुम एक और लड़की का लेके आओ, ऐसे करके लाते रहो किसी ना किसी को फंसा के। कहते इतनी सारी लड़कियाँ मैं कहाँ से लाऊंगा। वह कहता तू ट्यूशन पढ़ाता है ना, किसी को क्या पता चलेगा तू किससे प्यार कर रहा है, तूने सीमा से प्यार किया, अब उसकी छोटी बहन से कर, रीमा भी तो बड़ी हो गई है, वह भी तो 9th में पढ़ती है, सीमा के बाद उसको भी तू अपने प्यार के जाल में फंसा, उसको ट्यूशन मत पढ़ा, वह स्कूल जाती है उसको उससे तब बात कर तू। सीमा को तो पता ही नहीं था कि सीमा से वह रजत प्यार करता है और उसको फंसा चुका था, इसलिए तू अब रीमा को फंसाने लगता है। जब स्कूल जाता है उसको स्कूल, अब तो उसने अपने पढ़ाई में भी, रजत ने अपने पढ़ाई में ध्यान देना भी छोड़ दिया था, इसको अपनी पढ़ाई भी नहीं करता, सारे दिन इसी काम में लग जाता, ट्यूशन के बहाने लड़की को ढूंढता और ऐसे ही काम करता, और रीमा को फंसाने लगता, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता, उसके प्यार के जाल में फंस भी जाती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत भावुक होती है, कोई भी प्यार से बात करता है तो वह उनकी बातों में आ जाती है, और ऐसे ही करके वह उसको फंसाना चाहती है। लेकिन ना जाने सीमा को इस बात का पता चल गया था कि रजत उसको धोखा दे रहा, सीमा को उससे मैं इसको एक बार देखूंगी ये कहाँ जाता क्या करता है। उसने एक बार उसको अपने दोस्त से बात करते देख लिया, तो फिर उसने पूछा वह कौन है, कहते है, कोई नहीं है मेरा दोस्त है, और वह ये भी कहने लगा था आजकल तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, बस इससे पूछा कॉलेज नहीं जा रहे हो तो वह टाल देता, और ऐसे करके वह उसका पीछा करती और उसका खोजबीन करती, और एक दिन पता चल जाता है वह रीमा को फंसा रहा है, तो अपने रिलेशनशिप में लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सीमा क्या करती है, सोचती है मैं एक प्लान बनाती हूँ, इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी, वो रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है, और उसको पता चल गया था ये रीमा को भी फंसा रहा है, मेरी छोटी बहन को, तो ऐसे करके वह एक प्लान बनाती है, वह सारी बात रीमा को बता देती है कि ये जो रजत है यह मुझसे प्यार करता था, ये मुझे मेरे साथ रिलेशन में आ गया, अब तुम्हें फंसा रहा लगता है, ये जरूर किसी गलत काम में है। तो ऐसे करके दोनों बहनें प्लान बनाती है, और जब रीमा उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए जाती है तो सीमा उसी वक्त पहुंच जाती है पुलिस को लेके और उसे गिरफ्तार करा देती है। रजत की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सोचने वाली बात है कि रजत कितना अच्छे घर का लड़का था, उसने ये भी नहीं सोचा मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने सपने देख रहे हैं, और वह भी अपनी पढ़ाई खुद अपनी मेहनत से कर रहा था, ट्यूशन पढ़ा के अपने पढ़ाई का खर्चा चला रहा था। कल का आया हुआ लड़का जो उसका दोस्त बन गया, उसकी बातों में आके उसने ये सब कर डाला, कितनी गलत बात है। ये नहीं सोचा ये जो मैं काम कर रहा हूँ, कल को
सबको पता चलेगा, पुलिस तब भी बात पहुंचेगी तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और ऐसे में मेरे माँ बाप का क्या होगा। रजत ने ये भी नहीं सोचा, गलत तरीके से कमाया पैसा मैं अपने माँ बाप को दूंगा तो माँ बाप खुश हो जाएंगे। माँ बाप ये नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो पैसा, क्योंकि माँ बाप बहुत अच्छे थे, बहुत शरीफ थे। और रजत ने एक बार भी ये नहीं सोचा, गलत काम में उतर गया। कितनी दुख की बात है, कल का आया हुआ लड़के ने एक इतने अच्छे सीधे साधे लड़के को, जो इतना होनहार था, इतने मेहनत से ट्यूशन पढ़ाता और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहा था, उसको ही बिगाड़ दिया। तो कहते हैं संगत में कभी गलत संगत में ना रहे, यदि कोई ऐसी गलत बात करता तो उससे रिश्ता ही तोड़ दे, चाहे कोई भी दोस्ती का हो चाहे कुछ भी हो। यदि तुम्हें कोई दोस्त गलत रास्ते में ले जाता वह दोस्त नहीं होता, दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त की भलाई चाहता है, ना कि उसे नरक में धकेलता है। और इसके दोस्त ने क्या किया, रजत के दोस्त ने तो ऐसे उसको नरक में धकेल दिया, खुद तो अपना जेल जाता और आता है, यही काम करता फिर दोबारा करता। लेकिन रजत तो अच्छे घर का लड़का था, कितना होनहार था, एक ही पल में उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस उसे पकड़ के ले गई, उसके माँ बाप सारी ज़िंदगी के लिए दुखी हो गए कि हमारा लड़का भी कभी ऐसे गलत काम कर सकता है। उनको क्या पता था किसी और ने उसको बहला फुसला दिया था। दोस्तों कभी भी किसी की बातों में ना आए, कभी भी दोस्त हों तो उनकी बातों से पता कर लेना चाहिए कि ये अच्छा है या गलत है, क्योंकि थोड़े देर हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें उसके नेचर का पता चल जाता है। इसीलिए कभी भी गलत दोस्त मिले तो उससे तुरंत रिश्ता तोड़ देना चाहिए। वह खुद तो गलत था, रजत को भी कितना गलत काम में धकेल दिया। दोस्तों कभी भी किसी की बातों में ना आए, यदि कोई दोस्ती करता है, अचानक से आकर दोस्ती करता है, सोचना चाहिए ये अचानक से कहाँ से आ गया, इतने दिन तो दिखा नहीं है, अचानक से कहाँ से आ गया, जरूर इसका कोई मकसद होगा। और यदि आप लोगों को कुछ पहचान ना हो तो हम कभी दोस्त बनाते हैं तो हमें उसके साथ रहने, काफ़ी दिन रहने के बाद पता चल जाता है वह करता क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, सारी बात पता करनी चाहिए। और हमें उसके नेचर का पता चल जाता है, उसके काम का पता चल करना चाहिए हमें जरूर। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें, दिमाग से काम ले, क्योंकि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी काम नहीं आता, किसी के भी काम नहीं आया आज तक गलत तरीके से कमाया पैसा। यदि गलत तरीके से कमाया पैसा काम आता तो दुनिया इसी काम में लग जाती। सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। दोस्तों मेरी ये कहानी बस यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ कभी भी ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपको गलत रास्ते में ले जाएं। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए, नमस्कार।